है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये प्रॉब्लम एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ये पहला भी और ये तीसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। सो आज के इस वीडियो में पहले क्वेश्चन के जो चारों पार्ट हैं वो हम कर रहे हैं। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, अस्तित्व हो तो पहले मैं आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझा देता हूँ, बेसिक जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है। आपको पता है आपके पास द्विघात समीकरण किस रूप में होती है, द्विघात समीकरण इस रूप में होता है, ई एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ये इसका व्यापक समीकरण है। क्या व्यापक समीकरण है ना, अस्तित्व की बात हम कर रहे हैं। अस्तित्व के लिए देखो क्या जरूरी है, अस्तित्व के लिए हम निकालते हैं विविक्तिकर, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट, डी से प्रदर्शित किया जाता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस के फोर ए सी। अगर डी का मान ज़ीरो से बड़ा हो यानी कि धनात्मक हो तो अस्तित्व है। ठीक है, डी का मान अगर ज़ीरो भी हो तो भी अस्तित्व है। ठीक है, ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा हो तो अस्तित्व है। अगर डी का मान ज़ीरो से छोटा हो यानी कि ऋणात्मक आ जाता है, माइनस में आता है, तो अस्तित्व नहीं है, मतलब तब हम हल नहीं कर सकते उसको। अस्तित्व होगा तो हम हल कर पाएंगे, अस्तित्व नहीं होगा तो हम हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं, पार्ट वन। पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है टू एक्स स्क्वायर माइनस के सेवन एक्स प्लस तीन बराबर ज़ीरो। ठीक है, ये समीकरण है। यहाँ ए के स्थान पर एक्स स्क्वायर गुणांक को हम ए बोलते हैं, टू हैं। बी क्या होता है यहाँ पर माइनस के सेवन, और सी क्या है हमारे पास यहाँ पर अचर पद तीन। तो यहाँ देखोगे अस्तित्व के लिए देखो डी फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, वो हम निकालेंगे। तो बी का मान क्या, माइनस के साथ वर्ग, फोर ए कितना है टू, सी कितना है माइनस के थ्री, माइनस का वर्ग करने पे प्लस हो जाता है सात सत्ते उनचास, सात को सात से गुणा करना है, सात को दो बार गुणा करना है, सात गुणा सात उनचास, चार दुनिया आठ, आठ या चौबीस। ठीक आया समझ में, बी स्क्वायर ठीक है फोर ए सी, तो ये कितना आ रहा है धनात्मक आ रहा है पच्चीस धनात्मक, अतः अस्तित्व है। देखो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो को गौर से देखना तभी चीज़ समझ में आएगी, नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है। दो नियम लगते हैं यहाँ पर, दो तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान से देखना। अब हम आएंगे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि पर। ठीक, यहाँ पर जो संख्या है दो, यहाँ की संख्या देखी जाती है। आपको पता है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या क्या होती है, एक चार नौ, क्योंकि एक को हम लिख सकते हैं एक का वर्ग, चार को लिख सकते हैं दो का वर्ग, नौ को लिख सकते हैं तीन का वर्ग, फिर सोलह, सोलह को लिख सकते हैं चार का वर्ग, ऐसी संख्याएं होंगी तो पूर्ण वर्ग होते हैं, पूर्ण वर्ग बना के लिख सकते हैं। तो दो पूर्ण संख्या नहीं है, तो जब ऐसी चीज़ आएगी, जैसे जब ऐसी चीज़ आएगी तो उस संख्या से भाग दे देना होता है, दो से भाग देने पर, जब दो से हम भाग देंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बचेगा, दो बट्टे दो सात बट्टे दो, और यहाँ हो जाएगा तीन बट्टे दो। ठीक, दो से दो कटा, एक्स स्क्वायर सात बट्टे दो एक्स,
3/2 0। अब देखो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, अब x का गुणांक 1 है तो 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का वर्ग, तो ये इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये माइनस है। ठीक है, जब आप क्वेश्चन करो तो ध्यान से देखना है, 1 प्लस माइनस गलत होगा, पूरा सवाल गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पर लिखोगे, यहाँ एक इसे ए बोलते हैं, एक स्थान पर एक्स है, और ये जो पद है ना, ये पद होता है 2ab का। स्टेप्स याद रखना, 7/2x। आपको b निकालना होता है, आपको क्या नहीं पता है, b नहीं पता है आपको। पहला जो काम करना है वो करना है b निकालना है। b निकाल के क्या करना है, बी स्क्वायर को जोड़ना है और एक बार घटाना है। तो देखो यहाँ पर करेंगे, ये समीकरण नंबर अभी 2 मान लो, 2ab हमारे पास क्या है, 7/2x, एक स्थान पर क्या है मेरे पास x, तो रख दूंगा मैं x, इधर भी x, इधर भी x कटा, दो गुड़े में जाके बट्टी में जाएगा, तो b का मान क्या आएगा, 7/2 2 4। बी का मान निकालना था मेरा पहला मेरा काम, जो कि हमने इजीली कर दिया है। अब बी का मान मिल गया है तो बी स्क्वायर को एक बार जोड़ना है और एक बार माइनस करना है। लिखेंगे बी स्क्वायर को जोड़ने व घटाने पर, ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, एक बार जोड़ना है बी स्क्वायर, 7/4, एक बार जोड़ा एक बार घटाया। किसी चीज़ में अगर एक चीज़ जोड़ रहे हैं और घटा रहे तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, मैं 2 रुपये दे भी रहा हूँ 2 रुपये ले भी रहा हूँ, तो कुछ हुआ ही दिया ही नहीं मैंने उसको। ठीक है, बाकी प्लस में क्या, 3/2 यहाँ लिख दो, ये है, बाकी इसको जोड़ा और घटाया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूर्ण वर्ग बनता है। क्या गया, माइनस, ये जो होता है ना, अगर माइनस आया तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, अगर सारे पद प्लस किए तो ए प्लस बी का होल वर्ग बनेगा, तो यहाँ क्या बनता है, ए प्लस ए माइनस बी, क्योंकि यहाँ माइनस है, ए कितना है एक्स, बी हमारे पास कितना था 7/4 का वर्ग, और ये माइनस कर रखे क्या हो जाएगा प्लस, और ये प्लस कर रखे क्या हो जाएगा माइनस। कोई दिक्कत नहीं है, सात का वर्ग क्या होगा 49, 4 का वर्ग 16। अब हल करेंगे, लॉस ऑफ कितना जाएगा 16, 16 1 कम 16, 1 को गुणा करेंगे 49 से वही रहेगा, 2 8 16, 8 3 24, घटाओगे तो कितना जाएगा 25/16। क्या ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे, वर्गमूल लेने पे यहाँ पे प्लस माइनस लग जाएगा, इधर लग जाएगा वर्गमूल का चिन्ह, क्योंकि स्क्वायर हटाना है तो वर्गमूल लेगा, तो यहाँ से आ जाएगा 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। अब देखो एक बार धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेंगे तो यहाँ से धन में लेना है, और ये माइनस के धक्के क्या हो जाएगा प्लस का। देखो जब नीचे सेम होता है तो लॉस ऑफ वही रहता है, जब नीचे सेम होगा तो ऊपर वैसा जोड़ घटा जाता है, 5 + 7 हो जाएगा 7 12, तो एक एक्स का मान कितना हो गया 3 आंसर। अब आपको एक बार लेना माइनस में, माइनस चिन्ह लेने पर, जब माइनस में लोगे तो इधर तो वही है, इधर माइनस में लेना पड़ेगा, माइनस के 5/4। ठीक, तो माइनस के इधर के क्या हो जाएगा प्लस का, और यहाँ तो पहले से ही माइनस के 5/4 है, 4 वही है, लॉस ऑफ वही रहेगा, ऊपर वही चीज़ आ जाएगा 7 - 5, 2/4, 2 1 कम 2 2 4, एक्स का मान क्या आ गया 1/2, ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। इसको हमने किस विधि से किया, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से किया। ठीक है, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है।
सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड नंबर में क्या है देखो, 2x² + x + है ना, 2x² + x - k4। यहाँ a का मान कितना है 2, b का मान, x का गुणांक कुछ नहीं है तो प्लस का 1, और c कितना है -k4। फिर से आप क्या लिखोगे, अस्तित्व के लिए डी विविक्त कर निकालते हैं, फॉर्मूला होता है b² - k4ac। तो बी कितना है 1, 4, ए कितना है 2, सी कितना है -k4। 1 का वर्ग 1 होता है, ठीक। तो ये क्या हो गया, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 32, माइनस माइनस प्लस तो कितना हो गया 33। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर से फॉर्मूला देख लीजिए, 33 आ गया, प्लस आ गया, धनात्मक अस्तित्व है। क्योंकि ये क्या है, धनात्मक है, अस्तित्व है। तो इसको फिर से उसी प्रकार से हल करेंगे जैसे अभी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, बिल्कुल उसी तरीके से। अब ठीक है, तो 2 पूर्ण संख्या नहीं है तो 2 से भाग देना पड़ेगा, दो से भाग देंगे हर एक पद में, ठीक। तो यहाँ से क्या आ गया, 2 से 2 कट, x², यहाँ से x/2, 2 × 2 = 4, यहाँ समीकरण नंबर इसको 2 मान लेंगे, है ना। यहाँ इसे a बोलते हैं, a क्या हमारे पास x, ये 2ab का पद होता है, 2ab क्या है हमारा x/2, ये वाला पद 2ab का होता है, हमें b निकालना है 2, a का मान कितना है x, x से x कटा, कट गया तो यहाँ 1 बचा, ये 2 गुणे में था बट्टे में आ जाएगा, तो b का मान क्या आ गया 1/4, ठीक। अब हमें क्या करना है, b² को जोड़ना और घटाना है, ठीक। तो यहां पर इससे पहले हमें क्या करना होता है, b² एक बार जोड़ना होता है, पहले जोड़ का चिन्ह आएगा फिर घटाने का, और पहले से तो यहाँ पर -2 पहले से ही है, ये 2 टर्म, फिर क्या आता है, b² जोड़ा, b² घटाया, और फिर ये -2, यहाँ से क्या बनेगा, पूर्ण वर्ग। अब की बार सारे प्लस के हैं, तो a हमारे पास x था, b हमारे पास 1/2 था वर्ग, ये माइनस के धरा के क्या हो जाएगा प्लस का, ये माइनस के धरा के क्या हो गया प्लस का, 1 का वर्ग 1 होता है, 4 का वर्ग 16, ठीक है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, 16 1 = 16, जब इसकी इसकी गुणा करते हैं ना, तो लॉस ऑफ कैसे लिया जाता है, 16 1 = 16 गुणा किए, तो इसकी गुणा इसके साथ होती है, 1 1 = 1, 16 × 2 = 32, ठीक। अब हमें क्या करना है, वर्गमूल लेना है, तो यहाँ से जब वर्गमूल लेंगे तो वर्ग हट जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस अंडर रूट 33/16 हो जाएगा, तैंतीस एक अभाज्य संख्या है, 16 का क्या होगा 4, ठीक है। तो एक बार क्या करना, प्लस चिन्ह लेने पर प्लस का ले लोगे, प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 1/4, लॉस ऑफ सेम है,
चार चार तो ऊपर वैसे का वैसे ही रह जाएगा। ये एक अभाज्य अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या घटती नहीं है, तो ये हमारा यहीं पे छोड़ देना आंसर पहला वाला। फिर क्या लेना, माइनस चिन्ह लेने पर तो माइनस का ले लेंगे, आपकी बार माइनस का चिन्ह ले लिया, ठीक है। तो ये प्लस का रखे क्या होगा, माइनस का, चार वही सेम है, जब नीचे सेम रहते तो ऊपर वैसे का वैसे ही हो जाता है, तो यही छोड़ देना, ये दूसरा आंसर, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया।